ये टू पार्ट्स में आ रहा है, अनपेड सैलर के राइट्स। देखो एक क्या था, राइट ऑफ अनपेड सैलर अगेंस्ट द गुड्स। ये मैं लास्ट क्लास का रिवीजन करवा रही हूँ। और सेकंड क्या था, व्हेन द प्रॉपर्टी इन गुड्स, has not been transferred. फिर इसके अंदर तीन conditions थी। First, right of lien. Second, right of stoppage of goods in transit. और राइट ऑफ रीसेल। तो हमने जब लास्ट क्लास तक किया था तो अनपेड सेलर के राइट्स में हमने राइट ऑफ लीन किया था और राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। अब हमको स्टार्ट करना था राइट ऑफ रीसेल। याद आ रहा है कुछ? अरे बताओ, कुछ याद आ रहा है कि हमने क्या किया था लास्ट क्लास में? कि भूल जाते हो तुम लोग पूरा। रीसेल, रीसेल की मीनिंग क्या होती है? टू सेल अगेन द ओल्ड या जो गुड्स हैं उसको, जो ऑलरेडी सेल हो चुका है उसको फिर से सेल करना। तो क्वेश्चन क्या होता है इसपे कि राइट ऑफ रीसेल में कि कितने टाइम के बाद जो सेलर है वो गुड्स को फिर से सेल करेगा। ठीक है, तो मतलब हाउ लॉन्ग द अनपेड सेलर शुड वेट for the buyer to pay the price and take delivery, to pay the price and take delivery of goods. तो इस क्वेश्चन में हम बस यही एज्यूम कर सकते हैं, अगर वो गुड्स पेरिशेबल नेचर का है, मतलब जो गुड्स जल्दी खराब हो जाते हैं ना, तो अगर वो पेरिशेबल नेचर का है तो अनपेड सेलर क्या कर सकता है कि वो उसको सेल कर सकता है, क्योंकि उसके खराब होने के चांसेस ज्यादा है। दूसरा इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें सेकंड अनपेड सेलर है वो नोटिस देगा, नोटिस ऑफ हिज इंटेंशन टू रीसेल। तो ये बायर को एक नोटिस भेजेगा और उससे पूछेगा कि अगर आप अपने गुड्स को रखना चाहते हैं तो आप प्राइस पे कीजिए या मुझसे कांटेक्ट कीजिए या मुझसे बात करें, अदरवाइज अगर आप इतने डेट में तक मुझे रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो मैं उस गुड्स को रीसेल कर दूंगा और उसके बाद आपका कोई राइट नहीं होगा, और उसमें एक टाइम दे दिया जाता है। तो ये होता है अनपेड सेलर गिव्स नोटिस ऑफ हिज इंटेंशन टू रीसेल। दूसरा, व्हेन द सेलर expressly reserves the right of resell. ऐसे सिचुएशन में देखो क्या होगा, व्हेन द सेलर एक्सप्रेसली रिजर्व्स द राइट ऑफ रीसेल, एक और नोटिस जाएगा या फिर जो सेलर है वो एक्सप्रेस करेगा कि आपने मेरे ओल्ड नोटिस का अभी तक कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया है,
इसलिए अब हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है, मैं उसको क्या अज्यूम करता हूँ कि वो अब वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसल हो चुका है और अब मैं इस गुड्स को बेच रहा हूँ। अगर आप मुझे रिप्लाई करते भी हैं तो भी अब मैं आपको कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको जो नोटिस दिया था आपने उसके अकॉर्डिंग अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं किया था। नेक्स्ट इसमें देखो, ये होता राइट ऑफ अनपेड सेलर में अगेंस्ट द गुड्स वाला, ये वाला पोर्शन। अब हम इसमें बी पॉइंट रहेगा एक आपका, वो बहुत सिंपल रहेगा और शॉर्ट रहेगा। व्हेन द प्रॉपर्टी इन गुड्स, ये लिखा हैज नॉट बीन ट्रांसफर्ड टू द बायर, तो राइट ऑफ विथ होल्डिंग डिलीवरी, डिलीवरी को विथ होल्ड कर सकता है इसमें। अगर गुड्स अभी तक पास नहीं हुए हैं बायर के पास, तो सेलर क्या करेगा, उसको राइट रहेगा अपने पास कि वो गुड्स को रोक के रखे, कब तक, जब तक सेलर को अमाउंट नहीं मिल जाता है। तो ये सेम किसके जैसे हो जाता है, राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट वाले पॉइंट के जैसे हो जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखना है राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर पर्सनली, ये तो गुड्स के अकॉर्डिंग में था कि जब उसको प्राइस नहीं मिल रहा था। अब ये सेकेंड टाइप ऑफ राइट्स हम डिस्कस करेंगे। ए हमने डिस्कस किया था राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स, ठीक, उसमें हमने उसको तीन चार पॉइंट्स में डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर। तो फर्स्ट इसमें वो उसके ऊपर केस कर सकता है, सूट फॉर प्राइस, ठीक। सूट फॉर प्राइस क्या होगा, अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो प्रॉपर्टी गुड्स है वो बायर के पास अगर चले गए और बायर क्या कर रहा है, रॉन्गफुली निगलेक्ट कर रहा है उन गुड्स को, गलत तरीके से बहुत यूज करने के बाद अब वो वापस कर रहा है, तो फिर ऐसे सिचुएशन पे सेलर क्या करेगा, उसके ऊपर केस कर सकता है। नेक्स्ट, और सेलर में स्यू हिम। नेक्स्ट, अगर प्रॉपर्टी, ये सेलर कब स्यू कर सकता है, जब प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर्ड हो गई थी, लेकिन जब प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज नॉट बीन ट्रांसफर्ड, जब गुड्स ट्रांसफर नहीं हुए हैं, तो केस तो क्लेम का बनता ही नहीं है, क्योंकि गुड्स तो आपके पास है सेलर के पास, तब वो किस चीज के लिए क्लेम कर सकता है, डैमेज, उसको जितना भी नुकसान हुआ होगा बस उसके लिए, ओनली डैमेज। लेकिन सूट फॉर प्राइस में फर्स्ट वाले में क्या है, अगर उसके पास पूरा गुड्स ट्रांसफर हो गया है तो वो पूरे पैसे की भरपाई करेगा, और इसमें उसको सिर्फ जितना नुकसान हुआ है उसकी। सेकेंड है सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी, सूट फॉर नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी, है ना। तो इसमें क्या होगा, अगर बायर डिलीवरी लेने के लिए रेडी नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में हम डैमेज के लिए सिर्फ केस करेंगे, फॉर नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी, ये डिलीवरी नहीं ले रहा है गुड्स की और हमारे पास रख रख के वो क्या हो रहा है, खराब हो रहा है, और हम क्या कर रहे हैं, दूसरों को भी सेल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमने इसको सेल किया है। तो जब वो रिफ्यूज करता है गुड्स को एक्सेप्ट करने के लिए, फिर नेक्स्ट है सूट फॉर डैमेजेस फॉर
repudiation of the contract, for repudiation of the contract. सेक्शन 60 क्या बोलता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, कि बायर ठीक है रेप्यूडिएट्स, रेप्यूडिएट्स का मतलब होता है टू एक्सेप्ट, टू एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द डेट ऑफ डिलीवरी. The seller, may either treat the contract as existing and wait till the delivery of goods. So, aisi situation pe, repudiation means to accept the contract before the date of delivery. So, agar suddenly wo cancel kar deta hai, existing contract ko wo cancel kar deta hai. So, aisi situation pe, uske upar case lagega for the breach of contract. जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की हमने कंडीशंस पढ़ी थी उसका इसके ऊपर क्या लगेगा, केस लगेगा. नेक्स्ट होता है सूट फॉर इंटरेस्ट फॉर और स्पेशल डैमेजेस. जब बायर डिफॉल्टिंग बायर हो जाता है ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में सेलर के पास राइट होता है कि वो या देखो सूट फॉर इंटरेस्ट और स्पेशल डैमेजेस में क्या होगा, जब सेलर के पास राइट है ठीक है, किससे, फ्रॉम द डिफॉल्टिंग बायर. क्यों, इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट इन दिस रिगार्ड. तो जब डिफॉल्ट करता है बायर, जब पैसे नहीं पे कर सकता है, तब क्या करती है कोर्ट, ऐसी सिचुएशन पे एक रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करती है जो कि रीजनेबल हो और जो उसको लगता है कि जो गुड्स का जो लॉस हुआ है उसके लिए वो एक रिकवरेबल अमाउंट है, रीजनेबल है, तो वो उनको अलाउ करवाती है. नेक्स्ट इसमें होता है, ये इतने ही थे इसमें चार ठीक है. तो ये राइट्स ऑफ अनपेड सेलर में बायर्स के अगेंस्ट राइट थे, कितने थे, प्राइस के लिए डैमेजेस, डैमेजेस फॉर रेपुटेशन और सूट फॉर इंटरेस्ट. अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं अपन. अब कुछ ऑप्शंस बायर के पास अवेलेबल हैं, बायर्स रेमेडीज फॉर ब्रीच बाय सेलर. तो फर्स्ट इसमें क्या कर सकता है, सूट फॉर डैमेजेस और नॉन डिलीवरी अगर वो उसके पास डिलीवरी नहीं कर रहा है सेलर, सेलर रॉन्गफुली कर रहा है और रिफ्यूज कर रहा है. जरूरी नहीं है कि हर बार मिस्टेक बायर की तरफ से हो, सेलर की तरफ से भी हो सकती है. तो ऐसी सिचुएशन में बायर भी अप्लाई कर सकता है. फिर नेक्स्ट है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ठीक. तो जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ, जब किसी स्पेसिफिक गुड्स के रिगार्डिंग हो या एसर्टेन गुड्स के रिगार्डिंग हो, तो ऐसी सिचुएशन पे बायर क्या कर सकता है, एक केस फाइल कर सकता है सेलर के अगेंस्ट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, की इतना काम तो आपको करना ही पड़ेगा फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. तो ऐसी सिचुएशन में जो कोर्ट होती है वो डायरेक्ट करती है सेलर को कि वो
कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करें स्पेसिफिकली वे डैमेजेस वुड नॉट बी एन एडिक्वेट रिलीफ. कौन सी सिचुएशन पे होता है? ऐसे सिचुएशन में कि जहाँ पे पैसे की भरपाई ही सब कुछ नहीं होता है ना, वे डैमेजेस वुड नॉट बी एन एडिक्वेट रिलीफ, कि पैसे देने से उसका नहीं होगा काम. तो ऐसी चीज़ों के लिए, सपोज अगर कोई एंटिक्स वगैरह के बिजनेस में है या कोई फर्नीचर में या आर्टिस्टिक वर्क में और वो चाहता है कि उसको उसी से ही काम करवाना है, तो ऐसी सिचुएशन पे वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते. नेक्स्ट देखो, ब्रीच ऑफ वारंटी. अगर आप लोगों ने ब्रीच ऑफ वारंटी चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा, वारंटी एंड कंडीशंस, तो उसमें ये कंडीशन दी हुई है कि जब आप वारंटी ब्रीच करते हैं तो क्या उसके इम्पैक्ट होंगे. तो अगर प्राइस पेड नहीं किया गया है फ्रॉम द बायर, तो वो उसमें से प्राइस को कर सकता है. तो वारंटी के कुछ कुछ कंडीशंस होती हैं जो सेलर देता है बायर को, तो अगर आपको याद होगा तो आप उसमें से कोरिलेट कर सकते हैं. फिर suit for repudiation of contract before due date. Section 60 क्या कहता है? जब seller refuse to accept the contract before the date of delivery, तो buyer, ऐसी situation पे देखो, फिर से बता रही हूँ, suit for repudiation of contract before due date. इसमें क्या होगा? जब सेलर रिफ्यूज करता है, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द डेट ऑफ डिलीवरी, तो बायर क्या करता है? मे ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टिंग एंड वेट टिल द डिलीवरी. And wait till the date of delivery. इसमें ऐसा होता है. और he may treat the contract. और या तो फिर इसके पास एक ऑप्शन होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल समझे, कॉन्ट्रैक्ट एज कैंसल्ड, और फिर उसके ऊपर डैमेजेस का केस करें. नेक्स्ट है इसमें फिफ्थ पॉइंट, सूट फॉर इंटरेस्ट. तो सेम जैसे सेलर इंटरेस्ट के लिए चार्ज करता है कि कोर्ट अगर परमिशन देती है एक रीजनेबल अमाउंट, तो वैसे ही सेम इसके केस में भी ऐसे हो सकता है. तो ये दोनों के पास ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं. इंट्रोडक्शन ले लो नेक्स्ट यूनिट का. देखो यूनिट 4 Negotiable Instrument Act. Negotiable Instrument Act. तो जो negotiable instruments होते हैं वो होते हैं 3 types की study करेंगे अपन. Promissory note. Second, bills of exchange. और एक होता है check. तो जब बिजनेस होता है तो ट्रांजेक्शन जो होता है, तो जो कंसिडरेशन, जो अमाउंट पे किया जाता है, वो किसके थ्रू पे किया जाता है? कंसिडरेशन पैसा. तो अगर किसी को अमाउंट सही टाइम पे नहीं मिलेगा तो सामने वाले के साथ तो क्या है उसमें, गलत है. तो ऐसी सिचुएशन पे क्या होता है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट दिया गया. अब देखो ये 500 रुपीज का नोट दिखाने का मतलब क्या था. यहाँ पे एक वर्ड देखो, मैं हाईलाइट देखो होता है तो ठीक, नहीं तो देखो, मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ. आई प्रोमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 500 रुपीज. ये दिख रहा है? देखो, और ये गवर्नर का साइन दिखा? यस मैम. आई प्रोमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 500 रुपीज. प्रोमिसरी, देखो ये क्या कर रहा है? प्रोमिस कर रहा है. प्रोमिसरी नोट देखो, आ रहा है समझ में?
क्या होता है, कभी नोट नोट नोटिस की थी ये चीज की आई प्रॉमिस टू पे? देखो अपने पास करेंसी में होंगी ये सारी चीजें, चेक्स, देखो चेक्स अपन यूज करते हैं ना अमाउंट पे करने के लिए, पे करके लिखा रहता है, फिर यहाँ पे साइन और अकाउंट नंबर और इन वर्ड्स अमाउंट, फिर यहाँ पे वैलिडिटी रहता है कि नहीं रहता है? तो नेक्स्ट यूनिट जो भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो वो सब किसके लिए रहेंगी? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से रिगार्डिंग, प्रॉमिसरी नोट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के, तो आप लोगों ने अकाउंटिंग प्रैक्टिकल्स भी किए होंगे अपने 11th और 12th स्टैंडर्ड में, और चेक तो आप सब जानते ही हैं। आ रहे समझ में नेक्स्ट यूनिट किससे रिगार्डिंग है? यस मैम।